नमस्कार। गैलेक्सी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और बधाई आपको। दसवीं कक्षा जो है आप लोगों ने अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली है। अब आपके भावी जीवन का निर्माण जो है शुरू हुआ है और ये आपका एक निश्चित ही कह सकते हैं कि निर्णयशील समय है। वो बात अलग है कि आपका ये निर्णय वाला जो समय है ये ऐसे समय में आया है जब पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, लेकिन इन चीज़ों का आपके सपनों पर, आपके भावी जीवन निर्माण पर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि हम सब भारतवासी हैं और हम भारतवासी तो जो है प्रत्येक कष्टों को जो है आस्ते आस्ते सहन कर रहे हैं, आज तक किया भी है, इतिहास गवाह इन बातों का। तो बिना किसी झिझक के आप अपने भावी जीवन का निर्माण करेंगे, मेरी ओर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अब आपके 11वीं कक्षा में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की हम चर्चा करेंगे कि इस वर्ष जो है NCERT सिलेबस 9th 11th में जो है पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लागू किया है, शिक्षा मंत्री जी ने, तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि आपके जो 11वीं कक्षा में अनिवार्य हिंदी विषय जो है उनकी प्रथम पुस्तक है आरोह और द्वितीय पुस्तक है वितान। प्रथम पुस्तक आरोह और द्वितीय पुस्तक है वितान। तो प्रथम पुस्तक की बात करते हैं हम, प्रथम पुस्तक है आरोह और जैसा कि आरोह का शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो आरोह का शाब्दिक अर्थ जो है होता है ऊपर की तरफ बढ़ना, ऊपर उठना। अब आप और हम सब इस वैश्विक महामारी के बाद हम सभी को भी ऊपर ही उठना पड़ेगा अपने प्रयासों से, और ये प्रयास करने जो है बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भारतवासियों ने आज तक कभी भी हिम्मत नहीं हारी है और ऐसा ही हमें भी जीने का एक बहुत अच्छा मादा रखते हुए हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा अपने सफल प्रयासों से। तो आपकी पुस्तक का नाम है आरोह, शाब्दिक अर्थ ऊपर की ओर उठना। उसमें जो आपका गद्य खंड है, गद्य भाग, और दूसरा आपका पद्य भाग है, तो जो आपका गद्य भाग है उस गद्य भाग में प्रथम पाठ की हम यदि बात करें तो उसका नाम है नमक का दारोगा। लेखक कौन? मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो बहुत ही अच्छे कथाकार, साहित्यकार, और इनका बहुत ही एक प्रसिद्ध उपन्यास रहा है
जिसका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, उसका नाम है गोदान। तो ये मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, और पाठ का नाम है आपके नमक का दारोगा। नमक का दारोगा में मुंशी प्रेमचंद हमें यह शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अपना अच्छा प्रयास किया है कि व्यक्ति को चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं त्यागने की बात जो है की है इस पाठ के अंदर, कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थितियों में अपनी ईमानदारी न त्यागें। आप भी भावी जीवन में जो है उच्च पदस्थ होंगे, ईश्वर से हम यही कामना करते हैं, और उसमें उच्च पदस्थ होने पर आप जो है किसी भी प्रकार से अपने जीवन में ईमानदारी का दामन न छोड़ें। और इतिहास में नाम उन्हीं का हुआ है जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी ईमानदारी, मेहनत, लगन से, सच्चे मन से अपने प्रयास किए हो। इतिहास उन्हीं की पूजा करता है। बेईमान, लालची, कामचोर, इस प्रकार के पुरुषों को इतिहास जो है कभी याद नहीं करता। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें या हम चंद्रशेखर आज़ाद की और भगत सिंह जी की बात करें, तो उन सभी के नाम तभी हुए हैं जब उन्होंने अपने मूल गुणों को न छोड़ा। तो यहाँ इस मूल गुण को न छोड़ने की प्रेरणा देता है ये पाठ नमक का दारोगा, जिसके अंदर इंस्पेक्टर साहब जो है वो किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी को त्यागते नहीं है, चाहे उसके लिए उनको जो है कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। इस कथा के अंदर, इस पाठ के अंदर बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद भी, क्योंकि ये तो निश्चित है कि सत्य जो है वो परेशान जरूर हो सकता है, किंतु सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। इसी बात को आप भी अपने जीवन में अंगीकार करें तो बेहतर होगा। दूसरा पाठ है आपके मियाँ नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है, और इसके अंदर हमें यह बताया गया है मियाँ नसीरुद्दीन द्वारा कि जो भी भारत के अंदर जो भी कार्य करते हैं लोग बाग, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य अगर करता है और अगर उसके अंदर हुनर है, हुनर अगर यदि उसमें है, तो वो जो है अपने कार्य को आसानी से करता रहेगा। दूसरी बात इस पाठ में बताई गई है कि निरंतर अभ्यास से ही किसी भी हुनर में, कार्य में जो है हमें सफलता मिलती है, वो बात भी आपने सुनी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। वही कहावत इसमें चरितार्थ होती है मियाँ नसीरुद्दीन पाठ। उसके बाद में आपके तीसरा पाठ है अप्पू के साथ ढाई साल, सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय जो हमारे भारतीय सिनेमा जगत के बहुत ही अच्छे निर्देशक, डायरेक्टर जो है रहे हैं, और उन सत्यजीत रॉय को अपनी जो है फिल्मों के लिए जाना जाता है, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बनाई है, ऑस्कर के लिए भी उनका नामांकित, और भी ढेर सारे पुरस्कार जो है उनको मिले हैं। सत्यजीत रॉय अप्पू के साथ ढाई साल, इसमें अप्पू एक पात्र है और जो अपना पार्ट जो है अच्छे से बखूबी निभाता है, और इस प्रकार से एक फिल्म जगत की सारी बातों को बहुत ही बारीकी से हमारे सामने इसमें उकेरा गया है अप्पू के साथ ढाई साल। चौथा चतुर्थ पाठ जो आपके है वो है विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त जो है इन्होंने शिव शंभु के चिट्ठे हास्यात्मक रचनाएं लिखी है, और उस रचना के अंतर्गत विदाई, यहाँ विदाई बात की जा रही है किसकी, लॉर्ड कर्जन की, जो 1905 में जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, उन लॉर्ड कर्जन की विदाई की बात की जा रही है। और इस पाठ के संदर्भ में उन पर यह भी व्यंग्य किया गया है कि चाहे कोई कितना ही उच्च पदस्थ हो जाए, यदि उसमें कोई कमी है तो जो ये हमारा जो समाज है उसको, उसकी कमी जो है
बराबर मात्रा में, बराबर समय पर, समय आने पर उसे जो है उसकी कमी उसको याद दिलाता रहता है। तो इस पर व्यंग्य किया गया है विदाई संभाषण में। उसके बाद में गलता लोहा, शेखर जोशी का पाठ है विद्याध्ययन से संबंधित। उसके बाद में है आपके स्पीति में बारिश। भारत में एक शीत मरुस्थल के नाम से स्थान जाना जाता है, उसका नाम है स्पीति, जिले का नाम लाहुल स्पीति, और उस पूरे जिले के अंदर शीत मरुस्थल है। थार का मरुस्थल तो हमारे राजस्थान में है, रणबांकुरों की धरती में, लेकिन यहाँ शीत मरुस्थल है जहाँ वर्ष में 6 महीने 6 मास तक जो है इनका रास्ता जो है वो बंद रहता है, और ये लोग अपने बहुत ही विकट परिस्थितियों में अपना दिन जो है बिताते हैं। ऐसा एक यात्रा वर्णन लाहुल स्पीति का श्री कृष्णनाथ ने बताया है। अगला पाठ है रजनी, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित। रजनी पाठ के अंदर क्या बताया गया है कि देखिए, आजकल जो ये शैक्षिक तंत्र चल रहा है, इसमें अधिकांश लोग, अध्यापक हो चाहे कोई भी बड़ी, उनमें जो ट्यूशन का जो बोलबाला है, उस ट्यूशन के बोलबाले की खिलाफत करने की जो हिम्मत है, यहाँ पर वो रजनी नाम की नायिका करती है। और उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो है कुछ धन के लोलुप अध्यापक जो है बच्चों को जबरन ट्यूशन के लिए, ट्यूशन आने के लिए बाधित करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। उसके बारे में ये पाठ है कि भाई किस प्रकार से जो है हमारे इस पूरे भारतीय शिक्षा तंत्र में ट्यूशन जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को, कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि मजबूरन भी बुलाया जाता है बच्चों को, व्यर्थ में परेशान किया जाता है, व्यर्थ में उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो उस शिक्षा के इस बाजारीकरण का जो विरोध है, यहाँ रजनी नाम की नायिका ने किया है। उसके बाद में अगला जो पाठ है आपका जामुन का पेड़, जामुन के पेड़ पे, जामुन का पेड़ जो है यहाँ व्यवस्थाओं का प्रतीक बताया गया है, भारतीय व्यवस्थाएं। देखिए, इस संसार में जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं, सब जगह अच्छी बातें भी है, सब जगह बुरी बातें भी है। कहीं तंत्र में अच्छाइयाँ भी है, कहीं तंत्र में बुराइयाँ भी है। तो देखिए, जिसकी जैसी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, हमारी नज़र कैसी है, या हम उनसे क्या सीखते हैं, या हम बुरों के पास बैठकर बुराई सीखते हैं, या अच्छों के पास बैठकर अच्छाई सीखते हैं, ये निर्भर करता है हमारे ऊपर, ये हम पर निर्भर करता है, ये अन्य किसी पर निर्भर नहीं करता है। कि यहाँ व्यवस्थाओं के, भारत की जो ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, इनके ऊपर कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य का महत्व नहीं है, यहाँ पर किस प्रकार से जो है सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी वर्ग अपनी जिम्मेदारियाँ एक दूसरे से आगे एक दूसरे पर डालते रहते हैं, और किस प्रकार से एक व्यक्ति की इस पाठ के अंदर बेचारे की जो मृत्यु होती है, और अलग अलग विभागों का जो है झगड़ा चलता रहता है। इस प्रकार से एक भारत की व्यवस्थाओं पर, सरकारी व्यवस्थाएं जो आज हमारे देश में बहुत ही लचर होती जा रही है, और उनको सुधारने की आवश्यकता के लिए हम केवल बात करें तो ये इतना उचित नहीं है। इसके लिए हम आपको और मुझे, या हम सबको, हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भांति अपने प्रयासों को एक मूर्त रूप देना होगा। हमें केवल वार्तालाप से हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, हमें जो है मूल बात समझनी पड़ेगी कि प्रत्येक नागरिक को भी, देखिए हम इस देश में रहते हैं तो हमारे बहुत सारे अधिकार हैं, आपने पढ़ा होगा अपनी 10th तक की SST की बुक में कि हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जिनको हम मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहते हैं। उन मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी है, हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी बनते हैं। तो उन नैतिक कर्तव्यों की बात अगर हम करें, उन नैतिक दायित्वों को यदि हम निभाएं, तो शायद हमारे इस देश की, भारतवर्ष की जो ये परिस्थितियां हैं, इन सब को आप और हम मिलकर इन परिस्थितियों को बहुत अच्छी कर सकते हैं, वापस उस वैदिक कालीन भारत। अगला पाठ है भारत माता
भारत माता की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित ये पाठ है, भारत माता की पूर्ण विशेषताओं के बारे में इंगित किया गया है, अवगत करवाया गया हमें, और अंतिम पाठ आपके सैयद हैदर रजा का है, जो बहुत ही अच्छे चित्रकार थे सैयद हैदर रजा। उनको उनके पूरे जीवन के किस प्रकार से उन्होंने अपने परिश्रम से जो है ये मुकाम हासिल किया, इसकी तरफ जो है हमें परिचय करवाया गया इस पाठ में। ये बात हुई आपके आरोह के गद्य खंड की, अब है आपके पद्य खंड। कबीर, मीरा, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार की गजलें भी है, अक्क महादेवी जो तमिल की बहुत बड़ी भक्त थी, अवतार सिंह पाश और निर्मला पुतुल, इन सब की जो रचनाएं आपके दी गई है, इन सब के कबीर के दोहे जो दिए गए हैं, कबीर, मीरा, कबीर ने जो है समाज में ये जो कबीरदास जी ने देखा अपने जीवन काल में कि इस समाज में व्यक्ति अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आडंबरों का उपयोग कर रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तब कबीरदास जी ने हिंदुओं के लिए उक्तियां कह दी, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की बली पीस खाए संसार। इस प्रकार से कटाक्ष किया था जब उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबरों की बाढ़ सी आ गई है। उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म में देखा कि वहाँ भी परिस्थिति जस की तस है, तो उन्होंने जो है मुस्लिम धर्म को भी आड़े हाथों लिया और मुस्लिम धर्म के बारे में भी उन्होंने उक्ति कह दी कि भाई कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता पर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने जो है हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो भी आडंबर है, जो भी दिखावा है, जरूरत से ज़्यादा आवश्यकता से अधिक जो दिखावा है इन दोनों धर्मों में, उन धर्मों की बात की जा रही है। तत्पश्चात द्वितीय अध्याय आपके मीरा का है, मीरा जो राजस्थान की बहुत ही महान भक्त कवियत्री रही है और रैदास जी इनके गुरु थे, तो मीराबाई की कुछ रचनाएं भी है, मीराबाई की पदावली, नरसी जीरो मायरो, इस प्रकार से मीराबाई के कुछ पदों का, बहुत ही भक्तिमय पदों का वर्णन किया गया है। राम नरेश त्रिपाठी जो बहुत ही सशक्त भारतीय नागरिकों को जागृत करने का जो कार्य राम नरेश त्रिपाठी, तत्पश्चात सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, दुष्यंत कुमार की कुछ गजलें दी गई है, कहाँ तो मयस्सर था चिरागों के लिए, काम मयस्सर नहीं चिराग एक घर के लिए, अक्क महादेवी की रचनाएं, अवतार सिंह पास की रचनाएं और निर्मला पुतुल की रचनाएं, इस प्रकार से आपके काव्य खंड में भी बहुत ही ज़्यादा, एक संक्षेप में कहें तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक बातें, जीवन निर्माण की बातें, जीवन परिवर्तन करने की बातें जो है बताई गई है। उसके बाद में हम बात करते हैं वितान, दूसरी आपके पुस्तक है वितान। वितान का मतलब होता है फैलाव, और फैलाव अच्छी बातों का होना चाहिए। वितान का तात्पर्य है फैलाव, और फैलाव हमेशा किन का होना चाहिए? अच्छी बातों का होना चाहिए। कैसे? देखिए, एक बार एक संत महोदय एक गांव में गए और उन्होंने कहा कि साहब, उन गांव वालों ने उनकी पत्थर मारे, उनको बहुत भला बुरा कहा संत को, तो जो है उन संत ने वहाँ से जाते जाते वहाँ के लोगों को आशीर्वाद दिया कि आप सब आबाद रहो, यानी कि आप यहीं रहो। दूसरे गांव में गए और वहाँ जो है गांव के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की, बहुत सेवा शुश्रूषा की, और उसके बाद में उन्होंने जो है उन गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया कि बर्बाद हो जाओ,
गुरुजी के साथ में शिष्य थे, गुरुजी ये कैसा न्याय, जिन्होंने आपको पत्थर मारे उनको आपने कहा आबाद रहो, जिन्होंने आपकी सेवा की आपने कहा बर्बाद हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिन्होंने मुझे पत्थर मारे वो प्रवृत्ति से, उनकी प्रवृत्ति बुरी है, और अगर ऐसी बुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कहीं गए तो अच्छा तो करेंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि वो यहीं आबाद रहे, यहीं बसे हुए रहे, यहाँ से अन्यत्र कहीं नहीं जावे। और जिन्होंने मेरी सेवा की है वो सज्जन व्यक्ति है, अच्छे आदमी जहाँ भी जाएंगे अपनी अच्छाई फैलाएंगे, तो यहाँ फैलाव अच्छाइयों का होना चाहिए, आपके और हम सब के जीवन में वितान यानी फैलाव अच्छाइयों का। उसमें पाठ है एक लता मंगेशकर का, जो भारत की बहुत ही महिमामयी कवयित्री, बहुत ही महिमामयी गायिका भारतवर्ष की रही है, और तत्पश्चात राजस्थान की रज अनुपम बूंदें, अनुपम बूंदें हैं हमारे यहाँ पर, जल जल है तो कल है, बूंद बूंद कीमती है, राजस्थान की रजत बूंदों के बारे में, चांदी जैसी बूंदों की बात की गई है, इतना महत्व तो दिया गया और है भी, क्योंकि प्राचीन काल से राजस्थान में जो है, पश्चिमी राजस्थान की खास करके बात करें तो हमारे यहाँ पर पानी की बहुत समस्या रही है, और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर के आसपास जो है कुइयाँ बनाई जाती है, और उन कुइयों में भूगर्भ से चूना पट्टी जहाँ होती है वहाँ से रिस रिस कर जल एकत्रित होता है, और वहाँ के लोग उसको पीने के काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से रजत बूंदों की बात की गई, और उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा उपन्यास का अंश है आलो अंधारी, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। तो ये आपके वितान भाग है, और ये आपके आरोह भाग, ये आपके द्वितीय भाग वितान भाग। अब बात करते हैं हम जो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। पहले है गद्यांश और तत्पश्चात पद्यांश, गद्य का अंश और पद्य का अंश, उसके बाद में कार्यालयी पत्र, जिनका आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया बहुत ज़्यादा है, इतना कार्यालयी पत्रों का उपयोग नहीं होता, लेकिन आज भी सरकारी विभागों में हम जहाँ कहीं भी जाएंगे जीवन में, किसी भी सरकारी कार्यालय में कहीं पर भी, वहाँ हम सबको इन कार्यालयी पत्रों की लिखने की आवश्यकता जीवन काल में पड़ती रहेगी, क्योंकि ये एक सरकारी माध्यम है अपनी बात कहने का। उसके बाद में है प्रिंट मीडिया, जो कि आजकल प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में फैल रहा है, जिसका फैलाव हो रहा है, और जिसके कारण ही हमारे देश के गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक जो है प्रत्येक व्यक्ति को खबर, कहीं की खबर किसी भी देश के किसी भी गांव के कोने में बैठे हुए उस व्यक्ति तक आसानी से बड़ी सरलता से पहुँच जाती है, इन प्रिंट माध्यम के अलग अलग प्रिंट माध्यम के द्वारा, इन फीचर्स के माध्यम के द्वारा। अगला आपके अंतिम बिंदु है प्रतिवेदन रिपोर्ट, जो कि इसी प्रिंट मीडिया से मिलती जुलती है, और ये जो इसका उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लोग जो है अपनी बातचीत अपने समाचार देने के लिए आदान प्रदान के लिए काम में लेते हैं, उनकी भाषा शैली के ये सारे शब्द हैं। तो ये कुछ बिंदु भी जो है आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष सम्मिलित है। तो प्रथम पुस्तक आपकी हुई आरोह, द्वितीय हुई वितान, और तृतीय जो ये आपके भाग है, इस भाग की भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो जो भी बिंदुवार बताया जाएगा, बिंदुवार उसको आपको विश्लेषित किया जाएगा, जो भी चीज़ आपके समझ में नहीं आवे आप उसको वापस जो है कमेंट्स के माध्यम से हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल में मैसेज के द्वारा आप वापस हमें जानकारी दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या होगी उसका पूरा समाधान जो है हम इन माध्यम से जो है करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। स्टूडेंट्स, अभी आपने जो है हिंदी की क्लास की है, एक छोटा सा मैसेज है जो आपने ग्रुप के अंदर भी पढ़ा होगा कि किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो मंडे को 21 सितंबर को 9 बजे जो है सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आप जो है स्कूल में आ सकते हैं और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको बता सकते हैं। एक दो इश्यूज और आए हैं कि साइंस वाला कोई है जो आर्ट्स में चेंज करना चाह रहा है, या आर्ट्स का कोई जो है वो है साइंस का सब्जेक्ट लेना चाह रहा है, या अपना कोई सब्जेक्ट जो है वो चेंज
जैसे पॉलिटिकल वाला कोई है तो ज्योग्राफी लेना चाह रहा है या लिटरेचर हिस्ट्री का इशू है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली क्या है, हम काउंसलिंग के अंदर जो होता है वो डिस्कस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कोरोना की वजह से कि आपकी काउंसलिंग हुई नहीं है, तो जिन भी नए स्टूडेंट्स को जो दूसरे स्कूल से आए हैं या जो अपने ही स्कूल के हैं और कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है उनको, तो उनको मेरे यही कन्वे करना है कि आप जो है 21 सितंबर को 9 बजे स्कूल में आ सकते हैं, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, आप मास्क पहन के आइए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है सारी जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। 21 को नहीं आ सकते हो तो डॉक्टर सरोज राठौड़ जो आपके इंचार्ज, उनको आप कॉल कीजिए और अलग से कोई टाइम ले सकते हैं। और भी कोई क्वेरी हो आप ग्रुप में कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आप ही के लिए है, आप ही की स्कूल है, आप डरने की कोई आपकी बात है नहीं, और सून ये ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है स्कूल ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटा सा मैसेज था जो मेरे हिसाब से साइंस और आर्ट्स दोनों में कन्वे करना चाहिए था, तो इसी माध्यम से आपसे जो है हम रूबरू हुए हैं। थैंक यू।